चंद्रयान 3 को भारतीय समय अनुसार 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार दोपहर 2:35 पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। ये मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। आइए हम चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल हैं: पहला, लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना; दूसरा, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन; तीसरा, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान 3 को 615 करोड़ रुपए के भारी बजट पर विकसित किया गया है और इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर शामिल हैं। रोवर चंद्रमा की सतह से गुजरेगा और लैंडर दक्षिणी ध्रुव से नमूने एकत्रित करेगा। आइए हम चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर सहित कुल भार के बारे में जानते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल का भार 2148 किलोग्राम है, जबकि लैंडर मॉड्यूल विक्रम, जिसका वजन 26 किलोग्राम है, रोवर प्रज्ञान सहित 1752 किलोग्राम है। अतः कुल भार 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसे फैट बॉय नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।